के लिए सहारनपुर से मैं शिवमणि त्यागी। भाजपा ने अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है और सहारनपुर के भी सातों जो विधानसभा सीट हैं उन पर अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। मैं बेहट से अपनी बात शुरू करता हूं। उत्तर प्रदेश की प्रथम विधानसभा है और यहां से नरेश सैनी जो विधायक हैं बेहट के, उन्हीं को भाजपा ने चुनाव मैदान में उतारा है। मैं आपको बता दूं कि नरेश सैनी हाल ही में कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए हैं और भाजपा ने उन्हें बेहट से अपना प्रत्याशी बनाया। सहारनपुर नगर सीट से जो कयास चल रहे थे पूर्व सांसद राघव लखनपाल शर्मा को लेकर और पूर्व विधायक राजीव गुंबर को लेकर, वो भी समाप्त हो गए हैं। भाजपा ने यहां से राजीव गुंबर पर दाव लगाया है और नकुड़ विधानसभा सीट से जो सुर्खियों में है डॉक्टर धर्म सिंह सैनी के भाजपा छोड़ने के बाद से ये सीट सुर्खियों में चल रही है, यहां से मुकेश चौधरी को भाजपा ने अपना प्रत्याशी बनाया है। पूर्व ब्लॉक प्रमुख है मुकेश चौधरी और इसी तरह से सहारनपुर देहात सीट है जहां से जगपाल दास को भाजपा चुनाव मैदान में उतारेगी। जगपाल दास बसपा छोड़कर आए हैं, उन्होंने भाजपा ज्वाइन किया है। अभी भाजपा पार्टी ज्वाइन करने के बाद पार्टी ने उन्हें अपना प्रत्याशी बनाया। सहारनपुर देहात सीट से भाजपा के लिए जगपाल सिंह चुनाव मैदान में उतरेंगे। इसी तरह से देवबंद विधानसभा सीट है, देवबंद से जो वर्तमान विधायक हैं ब्रजेश सिंह, उन्हीं पर भाजपा ने अपना दाव लगाया है और दोबारा से वो चुनाव लड़ेंगे। अपना प्रत्याशी बनाया है ब्रजेश सिंह को। रामपुर मनिहारान सीट से भी देवेंद्र निम जो वर्तमान विधायक हैं भाजपा के, वही चुनाव लड़ेंगे और गंगो से भी तीरथ सिंह जो वर्तमान विधायक हैं वही चुनाव लड़ेंगे। इस तरह से भाजपा ने अपनी सातों जो सहारनपुर की विधानसभा सीटें हैं उनके प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं और जो अपने वर्तमान विधायक हैं उन्हें टिकट दिया है। बाकी जो बसपा छोड़कर आए हैं जगपाल सिंह उन पर दाव लगाया है और जो कांग्रेस छोड़कर आए हैं नरेश सैनी उनको चुनाव मैदान में उतारा है।